किसने? मैंने नहीं अनफॉलो किया भाई, जिसने अनफॉलो किया प्लीज आप उससे पूछिए। अरे बाबा उसमें सच्चाई भी होगी अगर तो प्लीज, आई जस्ट वांट टू क्लेरिफाई दैट आई हैवंट अनफॉलोड एनीवन। मुझे सबसे प्यार है और सबसे प्यार रहेगा। जिसने अनफॉलो किया प्लीज़ आप उसी को पूछिएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। काफ़ी सारे खतरों का सामना करने के बाद जो मेरी कुंडली में भाग्य लिखा था मैं उसमें फिर से आ गई हूँ। सो बहुत ही एक्साइटेड हूँ खतरों से खेल कर भाग्य में अपना जलवा दिखाने आ गई हूँ अगेन। सो आई होप यू गाइज आर वॉचिंग कुंडली भाग्य। एज यू गाइज ऑल नो दैट आई हैव जस्ट कम्प्लीटेड माई खतरों का शूट एंड आई एम बैक इन कुंडली भाग्य। सो आने वाले महीनों में शायद अगर कोई नए प्रोजेक्ट्स आएंगे सो आई एम गोना डेफिनेटली लेट यू ऑल नो। खतरों से जाने से पहले श्रद्धा ने एक डिनर होस्ट किया था मेरे लिए और खतरों के आने के बाद मैं पर्सनली श्रद्धा से मिली उनके घर पे एंड देन वी स्टार्टेड शूटिंग। सो बहुत अच्छा लगता है जब आपको इतना प्यार मिलता है और कुंडली भाग्य तो मेरी एक फैमिली है, एक खतरों की फैमिली बन गई है और अभी एक कुंडली भाग्य की भी फैमिली बन गई है। सो वेरी हैप्पी कि सब जगह से प्यार मिल रहा है और काम ही काम अच्छा लग रहा है मुझे।